तो बम बम भोले की गूंज आज हर शिव मंदिर में देखिए सुनाई दे रही है और सभी शिव भक्त जो है वो बड़ी आस्था के साथ शिव मंदिर आज पहुंच रहे हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। शरद भारद्वाज दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है और राहुल सिंह राठौर भोपाल से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सीधे सबसे पहले हम शरद आपका रुख कर लेते हैं। तस्वीरें जरा दिखाइएगा किस तरह का माहौल अभी नजर आ रहा है शिव मंदिर में, कैसी व्यवस्थाएं हैं। शरद, ओवर टू यू। मंदिर में जिसे भगवान के दर्शन किए जाए तो खास देखा जा रहा है कि बच्चे जो है स्कूली वो यहाँ पर आ रहे हैं भगवान से प्रार्थना करके भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर निकल गए। तो इस तरीके से क्योंकि सावन का महीना पवित्र महीना होता है, ऐसे में कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जो भक्त अगर सच्चे मन से कोई याद करता है उनको तो वो उनकी हर मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। और ये श्री महाकाल मंदिर वर्तू से है तो यहाँ जिस तरीके से व्यवस्था मंदिर श्री की तरफ से भी की गई है, लेकिन महाकाल का नाम लेते ही कहते हैं कि संकट दूर हो जाते हैं, तो मंदिर में आने से और संकट कट जाते हैं। और यहाँ हमारे साथ में भक्त है हमारे जनता जीवन क्या कहेंगे आज सावन का दूसरा सोमवार। जी सावन को किस तरीके देखते हैं भोलेनाथ के उनकी आवाज़ हम तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रही है। शरद, मैं लौटूंगी आपके पास वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम राहुल का सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल से, वो हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। राहुल, भोपाल से आप आस्था की शिव भक्ति की क्या तस्वीर दिखाएंगे, वहां पर कैसा माहौल है, तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे आज जलाभिषेक करने के लिए। राहुल बिल्कुल पूजा, देखिए भोपाल में बड़ वाले महादेव मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और अति प्राचीन ये मंदिर बताया जाता है। देखिए 300 साल पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और अति प्राचीन चूंकि ये मंदिर है तो कहा जाता है कि बड़ वाले पेड़ के नीचे महादेव स्वयं प्रकट हुए थे भक्तों को दर्शन देने और तब से वो यहीं पर विराजमान है। इसी आस्था के साथ भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं भगवान का श्रावण के पहले दिन, माफ कीजिएगा, श्रावण माह के दूसरे सोमवार पर जलाभिषेक करने, दुग्धाभिषेक करने। देखिए स्कूल जाने से पहले जो बच्चे हैं वो भी हाथ में एक लोटा जल लिए भगवान को, भगवान का आशीर्वाद लेने, भगवान का पूजन करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो, और अपनी मनोकामनाएं जो है वो मांग रहे हैं। बच्चों से बातचीत कर लेते हैं, स्कूल जाने की तैयारी में थे भगवान के पास जी, आशीर्वाद लेना है। हाँ। अच्छा, क्या मनोकामना है? टेस्ट में पास हो जाए। टेस्ट में पास हो जाए। अच्छा, तो आज देखिए बच्चों का टेस्ट है तो पहले भगवान को मनाने की तैयारी और उसके बाद परीक्षा पास करने की तैयारी। और भी जो भक्त हैं देखिए भजन कीर्तन यहाँ पर लगातार जारी है, भजन कीर्तन का जो क्रम है वो आज सुबह से ही जारी है, कई सारे भक्त मौजूद हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? जी हम यही पीर गेट पे रहते हैं। भक्ति में लीन है भगवान महाकाल की? जी सभी भक्त। आंटी क्या आज का किस तरह से आप लोग पूजन करते हैं? अभिषेक होता है भोले बाबा का और अनुष्ठान होता है पंडित जी द्वारा करवाया जाता है और बहुत अच्छा लगता है, मंदिर आनंद आता है, आनंद आता है। तो देखिए ये आज तो उज्जैन में बाबा महाकाल ने उपवास रख रखा है भक्तों के साथ साथ, हमारा भी व्रत है आज। आपका भी है? सभी रखते हैं सोमवार का। तो वैसे अभी कौन सा राहुल, उनसे पूछिए उनके लिए सावन का क्या महत्व है। सावन का क्या महत्व है आज के दिन आपके लिए, आप सुबह से ही यहाँ पर मंदिर पहुँचेंगे? सावन सोमवार के दिन मतलब बहुत अधिक मतलब बड़े माने गए हैं, इसलिए हम लोग मतलब सोमवार की पूजा करते हैं। वैसे तो पूरे महीना ही करते हैं, सोमवार का खास तो अभिषेक है। देखिए सोमवार खास है भक्तों के लिए और कहते हैं कि आज के दिन जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है वो भगवान पूरी करते हैं। पुजारी जी से भी बात कर लेते हैं मंदिर का क्या महत्व है। देखिए पुजारी जी अभी कथा कर रहे हैं इसलिए बात नहीं कर पाएंगे और ये आस्था की तस्वीरें हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भजन कीर्तन कर रही है और यहाँ पर पहुंची हुई है। अब ये जो क्रम है वो देर शाम तक जारी रहेगा, हालांकि पूरे श्रावण के महीने में ये क्रम जारी रहता है और भक्त जो
हैं हर रोज बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक करने दर्शन करने पहुंचते हैं। कहते हैं कि श्रावण का महीना सनातन धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है और एक लोटा जल हर समस्या का हल, ये एक नई जो कहानी है वो चली आई है कि भगवान को आप एक लोटा जल अर्पित कीजिए, भगवान आपकी हर मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। और महादेव तो देखिए भोले हैं, उनके सामने विश्वास लिए अगर कोई भक्त बैठ जाता है तो वो तुरंत उसकी समस्या का समाधान कर देते हैं। तो ये तस्वीरें राजधानी भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। वापस लौटूंगी राहुल मैं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम दिल्ली का रुख करेंगे, शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। शरद, आसपास जो तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनसे जरा बात करिएगा, सावन के सोमवार का उनके लिए क्या महत्व है ये जरा उनसे पूछेगा, महादेव में कितनी आस्था वो रखते हैं और आज तो दूसरा सोमवार है। आप देखिए कि आप यहाँ सावन के महीने में आप आई मंदिर में किसी के आस्था रहती है इस मंदिर में आपकी? सावन का महीना चल रहा है ऐसे मेरे पास से भोलेनाथ को मनाते हैं जिस तरीके से भोलेनाथ के हैं और आप किस तरीके से बताते हैं भोलेनाथ को? जी आप बड़ी देर से खड़े हैं, क्या कहेंगे सर लोटा जल और हाथ में क्या क्या प्रसाद मिलेगा मनाने के लिए? ठीक है शरद, देख पा रहे हैं हम कि किस तरीके से श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सके और अपने आराध्य महादेव को पूज सके। लौटूंगी मैं आपके पास राहुल, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए आज के दिन, क्योंकि लगातार माफ़ कीजिए क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार आज है और श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा मंदिरों में देखी जाती है, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे में मंदिर में व्यवस्थाएं किस तरह की गई है? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और क्योंकि राजधानी भोपाल है और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासनिक अमला है भक्तों के लिए उन्होंने तमाम वो सुविधाएं कर रखी है जो होना भी चाहिए। भक्तों को किसी प्रकार से परेशानी नहीं आए, दिक्कत नहीं आए, भक्त यहाँ पर व्यवस्थित कतार में लगकर भगवान के दर्शन कर पाए, ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर की हुई है। भक्तों से हम बात करेंगे क्योंकि श्रावण का महीना है तो उन्हें यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी, किस तरह से वो पूजन अभिषेक कर रहे हैं, बातचीत कर लेते हैं सीधा। दीदी भगवान का पूजन कर रही हैं आप? जी जी, ओम नमः शिवाय। हाँ जी, क्या मन में आस्था है, क्या मन में मनोकामना है? बहुत सारी, भोले बाबा से यही आस्था लेके आए कि हमारे घर में खुशियाँ कम फूल भंडार बढ़े और सबको अच्छा सा रखे, सारे संसार में ये मुसीबतें आपदाएं आ रही इनको भी सब ठीक करे भोले बाबा साहब। जी जी जी, और व्यवस्थाएं कैसी है मंदिर की? अच्छी व्यवस्था है सर, अच्छे से दर्शन कर पा रहे जी, अच्छे से सब कुछ, सब लोग देखिए ना आप, सब लोग अच्छे से दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इसके लिए। देखिए व्यवस्थाएं अच्छी है, चेहरे की मुस्कान बता रही है क्योंकि वो अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं और भगवान को पूजन अभिषेक कर पा रहे हैं, जलाभिषेक कर पा रहे हैं। तो और एक भक्त को क्या चाहिए कि भगवान के पास खड़े होकर वो भगवान को जलाभिषेक कर पाए, उन्हें बिना रोक टोक के जलाभिषेक करने दिया जाए, तो यही खास व्यवस्थाएं हैं और भक्त जो है वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। देखिए ये जो भक्तों का क्रम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि श्रावण का दूसरा सोमवार है और ऐसे में बड़ी आस्था लिए भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। और भी भक्त बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रही है, अब कलश चढ़ेगा दूध का, अभिषेक हो गया, अब कलश चढ़ेगा, अब हाथ लगाएंगे सब जने, फिर वो पूरा छिड़केंगे तो उसके सब दलादर दूर हो जाएगा है, बीमारियां दूर हो जाएंगी, वो एक बिल पत्ती खाएगा तो उसकी बीमारी थायराइड शुगर ब्लड प्रेशर सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, जरूरत नहीं है, फिर नाप पाओगे ना तो कम निकलेगा। अच्छा, अरे वाह, तो देखिए ये आस्था है और हर समस्या का समाधान महादेव के मंदिर में मिलता है और इसीलिए इस आस्था के साथ भगवान महाकाल के, भगवान बड़ वाले महादेव के दर्शन करने भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। देखिए कतारों से साफ नजर आएगा कि ये मन में अलग अलग अपनी जो
मनोकामना है वो लिए पहुंचे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। कई सारी और महिलाएं, देखिए महिलाओं से बात करना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो सुबह से ही जो है उपवास भी रखती हैं और पूरे परिवार के लिए वो जो है मनोकामनाएं लिए यहाँ पर आती है। बातचीत कर लेते हैं, कहाँ से आए हैं आंटी आप? यही पास में सिंधी मार्केट पास से आए जी। सुबह से आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए मंदिर? हाँ, 5:30 बजे आए थे। अरे वाह, तो आज उपवास भी होगा आपका? हाँ, है, व्रत भी है। क्या मनोकामना है, किसके लिए मनोकामना? मनोकामना बोलना ही नहीं पड़ता, सिर्फ आप सोच के आ जाइए, वो अपने आप ही पूरी हो जाती है यहाँ पर, ऐसा है। देखिए मनोकामनाएं मांगने की जरूरत नहीं है महाकाल से और महादेव से, मन में विश्वास लेकर आइए और महादेव वो हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं क्योंकि महादेव भोले हैं। और ये आस्था की खास तस्वीरें भोपाल से आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल राहुल और शरद, बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। बम बम भोले की गूंज इन्हीं जयकारों के साथ पूरे मंदिर में आज यही माहौल बना हुआ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं जिस दौरान जलाभिषेक किया जा रहा था।